देश भर में आज सावन के सोमवार को मनाया जा रहा है नाग पंचमी का त्योहार। शिवालयों में जुट रही है भारी भीड़। आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर खुले नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट। साल में सिर्फ एक दिन ही खुलता है मंदिर। राम मंदिर के पुजारी और सेवादारों को मिलेगी सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं। परिसर के अन्य मंदिरों के लिए हो रही पुजारियों की नियुक्ति। देश भर में चल रही है गणेश चतुर्थी की तैयारियां। कर्नाटक के हुबली में बनाई जा रही है कागज की इको फ्रेंडली मूर्तियां। आज सावन के सोमवार के साथ साथ नागपंचमी पर्व भी बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन दिन पर सभी भक्तों में एक खास उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी शिव मंदिरों में तड़के से भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ ही आज नाग देवता की भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि नागपंचमी पर नाग देवता को दूध चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट आज नाग पंचमी के अवसर पर मध्य रात्रि को 12 बजे पारंपरिक रीति रिवाज के साथ खोल दिए गए। मंदिर के कपाट खुलने से पूर्व ही दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। महाकाल लोक में स्थित इस मंदिर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो अलग अलग लाइनें लगवाई गई हैं। इस साल सावन के सोमवार और नाग पंचमी पर्व के एक साथ होने पर श्रद्धालुओं की भीड़ में दो गुना बढ़ोतरी देखी जा रही है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट साल में एक दिन नाग पंचमी पर ही खोले जाते हैं। अयोध्या जी में बन रहे राम मंदिर में पुजारी और सेवादारों को मंदिर ट्रस्ट की ओर से सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं दी जाएंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी 2024 में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद पुजारी और सेवादारों को चिकित्सा भत्ता, मकान भत्ता, छुट्टी के साथ ही यात्रा और खान पान के भत्ते जैसी आकर्षक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राम मंदिर परिसर में श्री रामलला के मंदिर के अलावा 5 अन्य मंदिर भी बनाए जा रहे हैं, जिनके लिए पुजारियों और सेवादारों की नियुक्ति हो रही है। गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक है, ऐसे में देश भर में भगवान गणेश की मूर्तियों को बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। कर्नाटक के हुबली में ऐसी ही मूर्ति बनाई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये गणेश मूर्तियां कागज से बनती हैं और इसके लिए कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 48 घंटे तक पानी में भिगोया जाता है। इसके बाद इसमें काफी मात्रा में मिट्टी डाली जाती है और इससे मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। ये देखने में सुंदर होती हैं और इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उत्तराखंड आयुष विभाग के सचिव श्री पंकज पांडेय ने अपनी टीम के साथ हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान दोनों विभूतियों द्वारा उत्तराखंड को आयुर्वेद मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने, औषधीय पौधों के रोपण एवं वितरण, अनुसंधान, वेलनेस, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ई मंडी, वैद्यों के प्रशिक्षण इत्यादि जैसे कार्यक्रम संचालित करने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर चर्चा की गयी।